मुंबई से सटे उल्लास नगर 5 में नेताजी चौक स्थित न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, क्योंकि न्यू स्कूल ने अचानक फीस 4500 रुपए से बढ़ाकर 15000 कर दी है। अभिभावकों द्वारा कल्याण पूर्व विधायक गणपत गायकवाड़ से संपर्क करने के बाद विधायक गणपत गायकवाड़ ने अभिभावकों के लिए न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन में अभिभावकों की ओर से कड़ा आरोप अपनाया था और स्कूल से जवाब मांगा था। पुलिस के नाटकीय हस्तक्षेप के बाद मध्यस्थता के लिए पुलिस, अभिभावकों, विधायक गणपत गायकवाड़ और प्रिंसिपल के बीच एक बैठक आयोजित की जानी थी, लेकिन गुरुवार को स्कूल ने अपना एक अलग रुख अपनाया और सरकार से फीस में रियायत के बयान पर हस्ताक्षर लेने की पहल की। चौंकने वाली घटना ये सामने आई है कि गुरुवार को इस घोषणा पत्र को जमा नहीं करने वाले 8 से 10 छात्रों को शिक्षकों ने बेरहमी से पीटा। स्कूल द्वारा अचानक उठाए गए इस कदम से छात्रों में दहशत फैली हुई है और अब ये छात्र कह रहे हैं कि वो कल से स्कूल नहीं जाएंगे। इस तरह की अप्रत्याशित और घृणित आशा के कारण माता पिता शिक्षकों के डर से हिल लाइन पुलिस के पास पहुंचे और स्कूल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा रही है। नीलेश बोबड़े ने कहा कि अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम रोशन सागर गुप्ता है, मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरे स्कूल का नाम न्यू इंग्लिश हाई स्कूल है। मैं स्कूल में था, टीचर मुझे बोला कि आपने वो कार्ड लाया, तो मैंने बोला नहीं, तो मैं टीचर सबको खड़ा की और फिर टीचर ने मारा। फॉर्म दिया था, जो फॉर्म दिए थे जो फिल करने के लिए, तो फॉर्म दिए थे फिल करने के लिए कल्पेश ने सर्वे, टीचर ने मेरे को मारा था, मैंने फॉर्म और जेरॉक्स नहीं भर के लेके आया था, इसके लिए टीचर ने मारा था मुझे। मैं बैंक पे भी खड़ा किया था, तो मैंने टीचर से बोला था टीचर मैं कल ले भर के लेके आऊँगा, टीचर ने नहीं सुनी, फिर भी खड़ा किया बैंक पे। मेरा नाम शिफा है, मेरा क्लास 6th ए। टीचर ने बोला है कि कल फॉर्म नहीं लाएंगे तो मारेंगे। माय नेम इज रिया जिरफान खान, मैं न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ता हूँ 6th C। और टीचर ने बोला है कल फॉर्म लाना है और मॉनिटर बोलता है कि फॉर्म कल नहीं लाए तो पनिशमेंट होगी। वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म महिला निकले साल का, हमारे बच्चों को स्कूल में जब 3 तारीख को हम लोग के यहाँ पर गणपत गायकवाड़ के सर के साथ में मीटिंग हुई थी, तब हमने बोला था कि हमको फीस कम चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, हमको फ्री बोला था, 5वीं के बाद में फ्री है। तो अभी हम लोग को 3 तारीख को शाम को बच्चों के हाथ में पेपर दिया, बोले भर के लाओ। एक दिन फॉर्म दिया, फिर दूसरे दिन पेरेंट्स कैसे भर के देंगे, फिर भी बच्चों को मारा है। सर ने बोला था कोई भी फॉर्म नहीं भरने, फिर भी उन लोग ने फॉर्म दिए और बच्चों को भी मारा है कि फॉर्म क्यों नहीं भर के लाए। वो बोले हम भूल गए, कल लेके आते, फिर भी मारा उनको। मेरा नाम लक्ष्मी सागर गुप्ता है। क्या सर, 3 तारीख को मंगलवार को जब गायकवाड़ सर आए थे यहाँ पर, उस दिन फीस के लिए सभी पेरेंट्स ने, हम लोग ने सर के साथ मिलकर यहाँ पे आए थे बातचीत करने के लिए, जो आप सभी जानते होंगे। और उसी दिन स्कूल में एक फॉर्म बांटा गया कि ये फॉर्म भर के लाना है, और वो फॉर्म शाम को जब मेरे बच्चे ने लाया और हमने भर के नहीं दिया, क्योंकि हम लोग को बोला गया था जब तक इसका कोई फैसला नहीं होता तब तक कोई चीज़ पे साइन नहीं करना है ना फॉर्म भरना है। वो चीज़ मैंने नहीं किया और ना मेरे बच्चों को मैंने फॉर्म दिया है, और फॉर्म नहीं देने पर उन्होंने मेरे बच्चों को मारा है और पनिशमेंट दिया है। और इसका केस कर यहाँ पे हम लोग जब आए स्कूल में बात करने के लिए, हमें स्कूल से, टीचर से या फिर प्रिंसिपल से कोई रिएक्ट नहीं मिलने की वजह से हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर कोई हमारा केस भी नहीं ले रहा था। फिर हम लोग ने गणपत गायकवाड़ के सर से बात किए, उनके हेल्प से हम लोग ने केस दर्ज किए और आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हमारे बच्चों का जो फीस बढ़ाया, हमारे बच्चों को जो मारा गया है, उसके लिए आप लोग सहयोग करें और हमारी मदद कीजिए। नीलेश बोबड़े, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। क्या होता है स्कूल में? हमारे माननीय गणपत गायकवाड़ आमदार स्टूडेंट के और पेरेंट्स के तकरार पे कॉलेज को या स्कूल को विजिट देने आए। उस दिन विजिट देने के बाद उनको पूछा गया कि पेरेंट बॉडी मीटिंग के लिए आपने पेरेंट बॉडी का ये बनाया है क्या, तो उन्होंने उस बारे में आंसर नहीं दिया। तो आमदार जी को कुछ गलत बातें की गई, वो भी मीडिया में चली। उसके बाद उन्होंने आमदार जी का डर देख के, डर से उन्होंने पेरेंट्स को कुछ फॉर्म दिए भरने को अचानक से, और अचानक पेरेंट्स को कुछ भी फॉर्म की जानकारी नहीं होने के कारण पेरेंट्स ने फॉर्म नहीं भरे। तो पेरेंट्स ने बच्चों को तो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो भी बच्चों को जानबूझ के फॉर्म भरने के लिए बोला गया।
और बच्चे लोग ने फॉर्म नहीं भरने के बाद उन्हें पनिशमेंट किया गया। बच्चे बेकसूर होने के बाद, उनको उसकी कोई भी जानकारी नहीं होने के बाद भी उन्हें पनिशमेंट किया गया। तो आमदार जी के बाद सारे जो लोग गए तो आमदार जी ने उसको न्याय मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में तकरार करने के लिए बोला। तो भी हमें लगा तकरार होने तक कोई स्टूडेंट या कॉलेज से संस्थापक कोई आए हमसे बात करे, बच्चों लोग को पूछे कुछ लगा है क्या, गलती हुआ है क्या, पर कोई भी पूछा गया नहीं कि उनकी मनमानी ही चल रही है। कॉलेज की स्कूल की फीस बढ़ने के बाद एक गरीब यहाँ पे जो विधवा महिला है उनके बच्चों लोग को फीस भरने के लिए नहीं है, उनके बारे में आमदार जी पूछने आते हैं, उनसे अच्छी तरह से बात नहीं, सामान्य आदमी से किस तरह से बात करते रहेंगे। और ये बारे में सारे लोग आज बहुत विरोध में हैं। आने वाले वक्त में दो दिन में उन्होंने जर उसके बारे में बात नहीं की, फीस के बारे में, फीस कम नहीं की, तो यहाँ पे हम धरना रखेंगे और यहाँ पे उपोषण करेंगे, नहीं तो ये कॉलेज बंद करवा देंगे। ये गरीब लोगों की स्कूल है, गरीब लोगों की संस्था के ऊपर चलती है, हमारे महाराष्ट्र शासन की संस्था के ऊपर चलती है, ये नहीं होगा। तो आने वाले वक्त में 2 दिन में इन्होंने फीस कम करनी चाहिए, नहीं तो आमदार जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे उपोषण किया जाएगा। ये 3 बच्चे यहाँ उनके माता पिता जी आए हैं 3 बच्चों के साथ में, और वो बोल रहे हैं कि उनको कुछ टीचर ने 2 फॉर्म भर के लाने को कहा था तो उन्होंने लाए नहीं थे, इसलिए उन्होंने पट्टी रहते है उन्होंने मारन किया और बेंच के ऊपर उनको खड़ा किया था। तो अभी वो कंप्लेंट दे रहे हैं, जो उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई से TV24 के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट।